गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइन ब्यूटी। आप कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हो, क्योंकि ये मेरी टू फैमिली है, राइट। सो जी, आज का मेकअप वीडियो है वन ब्रांड मेकअप लुक शेयर करने जा रही हूँ, और आईबा कॉस्मेटिक्स से मैं मेकअप वीडियो शेयर कर रही हूँ। वन ब्रांड मेकअप लुक होने वाला है, बड़ा है ईजी सा, सटल सा, सिंपल सा होने वाला है। एंड जो प्रोडक्ट है ये भी काफ़ी मीन अफोर्डेबल प्राइस में होंगे, और जो मैं प्रोडक्ट यूज करूँगी इनके जो परचेज लिंक है आपको मिलेंगे इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो आप जाइए एंड चेकआउट कर लीजिएगा। एंड नाउ स्टार्ट करते हैं वीडियो, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को जम कर आंटी, चाची, अपनी भाभी, सभी फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए, जो कि थोड़ा सा मीन बेनिफिट और लोगों को भी हो सके। तो नाउ स्टार्ट करते हैं वीडियो। मेक श्योर लाइक कर दिया होगा, नहीं किया है तो अभी से करना है, जल्दी से कर दीजिएगा। अभी निकलने वाले हैं, उनका यूज करूंगी मैं ऑन फेस के ऊपर, मीन मेकअप लुक आपके साथ शेयर करूंगी। ये है ईबा कॉस्मेटिक मीन वन ब्रांड मेकअप लुक, और ये ना आपको काफ़ी मीन प्राइस में मिल जाएगा, बजट में मिल जाएगा, अमेजन से आप पिक कर सकते हो इसको। सो उनका परचेज लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो अगर आपको परचेज करना है तो आप जाकर चेकआउट कर लेना। तो अभी करते हैं इनको ट्राई। जी ना बहुत आगे आ रहे हैं, इनको पीछे ले जाते हैं और मेकअप स्टार्ट करते हैं। भाई थोड़ा सा वेट कर लो अब, ऐसे अभी ठीक है। यहाँ पर भी यस सी, अभी ठीक है, स्टार्ट कर रही हूँ। ये है, मैं बता दूँ आपको, ये है प्राइमर, कॉम्पैक्ट, फाउंडेशन, पेंसिल, ये लिपस्टिक दोनों सेट आपको दिखाऊंगी। एंड अभी स्टार्ट करते हैं हम अपने यहाँ प्राइमर से। ओके का फोटो फेस प्राइमर, फोटो परफेक्ट एक्टिव फेस प्राइमर। तो अभी अप्लाई करेंगे इसको, तरह का ये प्राइमर है गाइस, ये देखिए। ओके एंड येल बेस प्राइमर है, और आपकी जो स्किन है उसको मीन आपकी जो मेकअप है उसको लॉन्ग लास्टिंग करेगा, नॉन ऑयली है, मीन नॉन ग्रीसी है, और आपके जो पोर्स हैं, फाइन लाइंस हैं, उनको फिल कर देगा, मीन ना मैं ले रही हूँ उसको, मीन चिप चिप नहीं है ये। आई यस आई मीन बहुत जल्दी से ऑब्जॉर्व हो गया है आपकी स्किन में, और स्किन ना मैंने अप्लाई कर लिया तो बड़ी ही स्मूथ सी लग रही है, मीन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सी। मैं क्लियर कर दूँ, विंटर है भाई, तो अपना प्रॉपर मीन प्रॉपर स्किन केयर कर लेना, उसके बाद ही मेकअप स्टार्ट करना, नहीं पेची हो जाएगा, किकी हो जाएगा। स्किन रूटीन पहले से कर लिया था, इसलिए मैं डायरेक्ट मेकअप पे आ गई हूँ। जो भी मॉइस्चराइजर यूज करते हो वो कर लेना, सर्दियों में तो प्रॉपर करना चाहिए आपको अपना स्किन रूटीन, जिससे कि आपकी जो स्किन है ना स्मूथ सी, सॉफ्ट सी हो, और फिर ग्लो भी करे, एंड साथ ही साथ मेकअप मेरा आपका परफेक्ट आए। तो एंड चलिए, बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, काम की बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज करने जा रही हूँ ये आईबा का, ईबा कॉस्मेटिक का लिक्विड फाउंडेशन, ऑयल फ्री है, लॉन्ग स्टेमिन, और SPF 15 है इसमें, देखिए। तो अप्लाई दिस, और इसका जो शेड है आइवरी फियर, थोड़ा सा सेक कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमेशा फाउंडेशन सेक करके ही लगाना चाहिए, और फिर सर्दी वाला मौसम है ना, तो इसकी तो और भी जनता है। तो इतना सा मीन मैं ले रही हूँ फाउंडेशन, इसको डॉट डॉट करके फेस पर लगाएंगे, फुल कवरेज फाउंडेशन है। तो या ये लो ठीक है, ये रहा स्पॉन्ज। और मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी मेकअप वीडियो आपको चाहिए आप बॉक्स में जाकर कमेंट डाउन कर सकते हो, एंड गाइस जमकर फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दिया कीजिए, जिससे कि थोड़ा और लोगों को बेनिफिट हो। एंड चैनल पर पहली बार देख रहे हो वीडियो तो सब्सक्राइब करो यार, क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, अपनी फैमिली को और भी लॉन्ग मीन लास्टिंग बहुत ज़्यादा बड़ी बनाओ। एंड थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए एवरीवन। ये देखिए अभी यहाँ का भी हम ब्लेंड आउट करते हैं, फाउंडेशन ब्लेंड ब्लेंड। तो अभी नेक्स्ट बात ही आती है, यहाँ पर कोई कंसीलर वगैरह नहीं है, जितने भी प्रोडक्ट हैं मैं उन्हीं का यूज़ कर रही हूँ।
तो अभी यूज करेंगे हम यहाँ पर कॉम्पैक्ट, ये है टीबा का कॉम्पैक्ट। सो यस परफेक्ट। एंड पैकेजिंग कुछ इस तरह की है इसकी, वाइट ये देखिए कुछ इस तरह से। ये इसमें स्पॉन्ज है, ये मिरर मिला है, ये आपको कॉम्पैक्ट इसी स्पॉन्ज से। हल्का सा पाउडर अप्लाई करना है हमें आपको, जिससे कि मेन केकी मेकअप ना आपका सेट हो जाए और बहुत ज़्यादा केकी पेची ना जाए आपका फाउंडेशन। एंड वैसे भी विंटर का मौसम चल रहा है, मीन सर्दियाँ हैं, तो हल्का सा पाउडर लगा लेंगे आपको। एंड अभी लगा लिया है मैंने कॉम्पैक्ट काजल। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ईबा का काजल, कोहल काजल, स्मच प्रूफ वाटर प्रूफ काजल है ये। तो यार ट्राई दिस, अप्लाई करके दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए ब्लैक है, लगा लो। तो अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ ये काजल, थोड़ा सा थिक ही लगाऊंगी मैं। सो यस वी मैंने लगा लिया। एंड अपर बॉटर लाइन पर भी आप लगा सकते हो, और भी लगाया अगर आपको लगाना है तो लगा लीजिए, नहीं तो आपको स्किप कर देना है इस पार्ट को। ओके काजल ना बहुत ज़्यादा अच्छा है ये, नहीं थे तो इसमें दी है ये दो लास्ट लिपस्टिक्स। एंड ये है मैट लिपस्टिक प्योर लिप्स, और इसका जो शेड है इसका आईबा M17 एप्रिकॉट ब्लस, इस वाली का मैट। और इससे शेड है आईबा A18 पिंक ब्लस, इस वाली का। तो अभी ओपन करते हैं एंड देखते हैं। ये रही दोनों लिपस्टिक। एंड कुछ इस तरह की ये कुछ इस तरह से, आई थिंक मुझे ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है शेड में, आप लोग खुद देखो। और मुझे मैं आपको यहाँ पर मीन एक स्क्रीनशॉट डालूंगी इसी का, जब मैंने इसको मीन ऑर्डर किया था तो एक लिपस्टिक का जो शेड था वो था मीन रेड से, रेड में था और एक मैट में था, बट ये दोनों मुझे मैट ही लग रहे हैं। ये देखिए कुछ ज़्यादा शेड, ओके जो हर किसी स्किन टोन पर चल जाएगा। देखिए गाइस डार्क लिपस्टिक चाहिए, बट इसी का थोड़ा सा यूज कर ले रही हूँ मैं, ब्लेसर का ना नहीं दिया है तो इसी का यूज कर लेते हैं। हो गया, चल जाता है ना काम थोड़ा सा यहाँ पे। सी हो गया ना ब्लेसर का काम भी। तो अगर आप गर्ल्स हो और अगर आप न्यूड में जाना चाहते हो तो इनका यूज कर सकते हो, इस लिपस्टिक का यूज कर सकते हो। मेरे में यही आई थी तो मैंने इसी का कर लिया है यूज। तो गर्ल्स है तो परफेक्ट जाएगा, न्यूड में चाहिए तो भी आप परफेक्ट कर सकते हो। बट मैं ना थोड़ा सा डार्क करना चाहती हूँ, दोनों लिपस्टिक ना मीन डार्क नहीं है, मैंने सोचा था एक डार्क होगी और एक न्यूड में होगी तो खूबसूरत सा लुक है। एंड थोड़ी सी लिपस्टिक को मैं डार्क कर ली, शुगर की मिनी लिपस्टिक, और इसका जो शेड है, शेड है इसका 10 Rose Red, इसी के ऊपर अप्लाई करूँगी मैं। सो आई एम अप्लाइंग दिस लिपस्टिक, मुझे थोड़ा सा ना डार्क लिप्स चाहिए थे तो इसीलिए मैंने इस लिपस्टिक का यूज कर लिया। इसी दिस इज माय फाइनल मेकअप लुक आईबा कॉस्मेटिक का। मुझे सारे प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे लगे हैं, मीन चाहे बात करो आप प्राइमर की, फाउंडेशन की और काजल की, बस थोड़ा सा मीन मिसमैच हुई मैं लिपस्टिक में। मैंने सोची थी ना एक शेड इसका मीन डार्क आएगा और एक न्यूड में आएगा, क्योंकि जैसे मैंने देखा था उसी अकॉर्डिंग था, बट कोई नहीं बात, अदरवाइज मुझे सारे प्रोडक्ट इसके अच्छे लगे। एंड आई होप आप लोगों को ये मेकअप लुक अच्छा लगा हो। अगर आप मैरिड हो, गर्ल्स हो, न्यूली मैरिड गर्ल्स हो, तो सभी इस मेकअप लुक को कर सकते हैं। सो आई थिंक आपको पसंद आया, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड जमको फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बी हैप्पी।